कैसी? कम सबूत लाएंगे कहाँ से? एक काम करते हैं, लेट्स गो टू वेदिका स्कूल, उसके स्कूल जाते हैं और उससे वहाँ पे बात करके देखते हैं। नहीं अरमान, मुझे नहीं लगता कि कल जो भी हुआ उसके बाद आर्यन वेदिका को उसके स्कूल भेजेगा। पता नहीं उसने कैसे रखा होगा मेरी बच्ची को। जैसे जैसे होगा आप सके, अगर आर्यन उसे स्कूल नहीं भेजा तो हम कुछ और सोचेंगे। ओके बाय। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए अरमान, मुझे वेदिका की बहुत फिक्र है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। जस्ट डिनर लग चुका है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे अंदर। नहीं मामा, मूड नहीं कर रहा, आप लोग खा लो। बेटा ऐसे कब तक चलेगा, कम से कम खाना तो खा लो। पापा मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाया, आई एम नॉट हंग्री। बेटा अब झूठ भी। आर्यन का फोन। आर्यन? मैं वेदिका से मिलने जा रही हूँ अरमान। जसी, इस वक्त वेदिका को यहाँ पे लाना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? अब क्या ठीक नहीं होगा अरमान? जसी, जस्ट रिलैक्स जसी। देखो वेदिका को कुछ नहीं होगा, किसी को कैसे कुछ नहीं होगा अरमान? तुमने आर्यन को देखा? तुमने देखा वो वेदिका के साथ कैसे बिहेव कर रहा था? वो वेदिका को मार डालेगा अरमान। जैसे वो सिर्फ हमें डरा रहा है, वो किसी को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है किसका अंजाम क्या। नहीं अरमान, मैंने आर्यन को पहले कभी इतना खतरनाक कभी नहीं देखा। तुमने उसकी आंखें देखी? वो पागल हो गया अरमान, वो कुछ भी कर देगा मेरी बच्ची को। जैसे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि आर्यन हमसे सिर्फ गुलमोहर छीनना चाहता है, वो उस बात का फायदा उठाना चाहता है कि हम वेदिका से कितना प्यार करते हैं। पर फिलहाल हमें कल की सोचनी चाहिए, कल की। हमें क्या करना होगा अरमान? वेदिका का स्टेटमेंट, हमें कल वेदिका का स्टेटमेंट लेना होगा। जैसे वेदिका के स्टेटमेंट से क्या होगा अरमान? जैसे आर्यन पूरी कोशिश करेगा कि वेदिका स्कूल ना जाए, पर वी हैव टू मेक श्योर कि वेदिका किसी ना किसी तरीके से स्कूल पहुंचे और हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। पर वही स्टेटमेंट हम सबूत के तौर पे पेश करेंगे ये दिखाते हुए कि आर्यन कितना नाकाबिल फादर है। तो अगर हमें वेदिका का स्टेटमेंट मिल गया तो वेदिका हमेशा हमारे पास आ जाएगी? ऑफ कोर्स आ जाएगी। जैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं मिसेस देशपांडे से बात करूंगा, उन्हें सब कुछ बताऊंगा जो आज हुआ है, एंड आई एम श्योर वो मेरी बात मानेगी। अब हमें यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, वरना तुम्हें और टेंशन होगा। जैसे जैसी बेटा आ गए तुम, तुम्हारा ही इंतजार था। वेदिका कैसी है अब? ठीक है पापा, अरमान नहीं आया बेटे। जैसी मेरी मिसेस देशपांडे से बात हुई और शी प्रॉमिसेस कि वो हमारी हेल्प करेंगे। बेटा हम नहीं जानते तुम दोनों ने क्या प्लान किया है, लेकिन ईला और मैंने डिसाइड कर लिया कि हम आर्यन को गुलमोहर देकर अपनी वेदिका वापस ले आएंगे।
बहुत हो गया बेटा, उस बच्ची की तकलीफ हम और नहीं सह सकते। वो आर्यन भी ना बहुत बेईमान सा आदमी है, ना जाने आगे जाकर क्या कर लेगा वो। और बेटा मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है, मैं जानता हूं तुम दोनों मिलकर ना जाने कितने गुलमोहर पैदा कर दोगे। और बेटा तुम्हारा बाप भी अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ, तुम जो भी हेल्प चाहोगे मैं दूंगा। लेकिन बेटा इस वक्त हमें वेदिका की जरूरत है। और डैड आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके बच्चे हैं डैड, यू नो गोना गिव अप, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। डैड मेरे पास एक प्लान है, और अगर ये प्लान वर्कआउट हो जाता है तो वेदिका एक बार फिर से हमारे पास होगी। कल शाम तक मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप लोग तो हैं ही ना हमारी मदद करने के लिए। थैंक यू पापा, थैंक्स माँ। मैं जानती हूँ आप दोनों हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, और हमारे लिए गुलमोहर ही नहीं बल्कि बहुत कुछ कर सकते हैं हम दोनों। आप वेरी लकी कि मैं आपके घर में बहू बन के आई, और आपने हमेशा मुझे एक बेटी की तरह रखा है। बाबा जी ने चाहा तो हमारा प्लान पूरा हो जाएगा, हमें इस वक्त बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है बेटी। गॉड ब्लेस यू बोथ। चले जैसे गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम।